देखो, ग्रेविटी का एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है इस वीडियो में जो हम समझने वाले हैं। अगर आप इस बोतल को देखोगे अभी, तो इसमें दो होल हैं और अगर इसके ऊपर कैप नहीं है तो इसमें से पानी निकल रहा है। अच्छा, ये पानी क्यों निकल रहा है? ये पानी निकल रहा है ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी क्या करेगी, हर एक ऑब्जेक्ट जिसमें कोई मास है उसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगी। तो अब बोतल और पानी दोनों को ग्रेविटी ग्राउंड की तरफ पुल कर रही होगी, बट क्योंकि बोतल को मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने हाथ से होल्ड किया हुआ है तो बोतल तो वहीं पर है, बट पानी को जो भी कम से कम रेजिस्टेंस वाली पाथ मिलेगी, ठीक है, जैसे इसमें होल हुआ, ग्रेविटी को कम से कम रेजिस्टेंस वाली जो पाथ मिली उसके थ्रू पानी जो है नीचे ग्राउंड तक चला गया। बट अब एक और केस सिनेरियो हमें देखना है। अब क्या हो अगर मैं इस बोतल को छोड़ दूं, ठीक है, फिर से छोड़ूं, देखो, तो आपने अब नोटिस क्या किया कि जब मैंने इसे छोड़ा, जो पानी बोतल से बाहर निकल रहा था वो बंद हो गया निकलना, क्योंकि ग्रेविटी पानी पे और बोतल पे बराबर की लग रही है। तो अब पानी को कम से कम रेजिस्टेंस वाली पाथ बाहर नहीं मिलेगी, बोतल भी सेम स्पीड से नीचे जा रही है जिस स्पीड से पानी नीचे जाना चाहता ग्राउंड तक, तो इसलिए वो बोतल के अंदर और बोतल के साथ ही नीचे जाएगा।